हेलो गाइस, मेरा नाम सोहेब खालिद है और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। इस स्टोरी को जेसी ओवेंस ने लिखा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, गौर से सुनिएगा और देखिएगा। चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। कहानी 1936 की गर्मियों में बर्लिन में आयोजित ओलंपिक खेलों के समय शुरू होती है। हिटलर के लिए यह आयोजन दूसरों पर आर्यन किरणों की श्रेष्ठता दिखाने का एक साधन था। इस बारे में खुद को परेशान न करते हुए जेसी ओवेंस की निगाहें लंबी छलांग में गोल्ड पदक जीतने पर टिकी थी। वह खेलों के बारे में ज़्यादा परेशान नहीं थे क्योंकि उन्होंने अभ्यास किया था और 6 साल तक कड़ी मेहनत की थी। जेसी का 26 फीट 8 1/4 इंच का विश्व रिकॉर्ड था। ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के एक एथलीट ने सभी को विश्वास दिलाया कि उसने ओलंपिक खेलों को जीत लिया है। हालांकि वह एक लंबे जर्मन लड़के को देखकर चौंक गए। लज लॉन्ग अपने अभ्यास छलांग पर लगभग 26 फीट की ऊंचाई पर गड्ढे से टकराता हुआ। उन्होंने यह मान लिया था कि यदि लज लॉन्ग जीत गया तो यह हिटलर के आर्यन श्रेष्ठता सिद्धांत को बढ़ावा देगा। डर फेरर के क्लास के सिद्धांत के खिलाफ उनकी नाराजगी ने परीक्षणों से उनकी एकाग्रता को हटा दिया। वह डर फेरर को साबित करने के लिए दृढ़ थे कि कौन श्रेष्ठ है और कौन सुनहरा पदक जीत सकता है। उनके गुस्से के कारण पहले 2 क्वालिफाइंग छलांग में फाउल हो गया। दूसरे फाउल पर उन्होंने सोचा, क्या मैं इसके लिए 3,000 मील दूर आया हूँ परीक्षणों से बाहर निकलने और खुद को बेवकूफ़ बनाने के लिए। जब उन्होंने परीक्षणों में अपने प्रदर्शन के बारे में घृणा महसूस करते हुए गड्ढे से कुछ गज दूर चलते हैं तो उन्होंने अपने कंधे पर हाथ महसूस किया। उन्होंने मुड़कर लज लॉन्ग को देखा जिसने अपने पहले प्रयास में आसानी से फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया था। उन्होंने जेसी को मोटिवेट करने की कोशिश की और कहा, जेसी ओवेंस, मैं लज लॉन्ग हूँ, मुझे नहीं लगता कि हम कभी मिले हैं। अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश करते हुए जेसी ने जवाब दिया, आपसे मिलकर खुशी हुई, आप कैसे हैं? अपनी छोटी सी बात में लज लॉन्ग ने एक एथलीट के रूप में बाद की शामतों के बारे में आश्वस्त किया और उसे एहसास दिलाया कि वह अपनी आंखों से योग्यता प्राप्त करने में सक्षम था। लज लॉन्ग ने उन्हें यह भी बताया कि नाजी युवा आंदोलन में स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी वह आर्यन सुपरमेसी में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने जेसी को बोर्ड के पिछले हिस्से में कुछ इंच की रेखा खींचने की सलाह दी और वहां से अपने उड़ान भरने का लक्ष्य दिया। उसके सुझावों ने जेसी को मारा और उसने अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया। परिणाम स्वरूप जेसी ने अपनी तीसरी और अंतिम छलांग में लगभग 1 फीट शेष रहकर क्वालिफाई कर लिया। जेसी अपनी बहुमूल्य सलाह के लिए लज का आभारी था और परीक्षणों के बाद वह उसे धन्यवाद देने के लिए ओलंपिक गांव में लज लॉन्ग के कमरे में चला गया। दोनों क्वार्टर में बैठे और ट्रैक, फील्ड, दुनिया की स्थिति और बहुत कुछ के बारे में लंबी बात की। उस दिन ने 2 लोगों के बीच दोस्ती के गहरे बंधन को मजबूत कर दिया था, जो सच्चे एथलीट थे। लज ने लंबे समय तक जेसी को एक ओपोनेंट होने के बावजूद प्रोत्साहित किया और चरम प्रदर्शन पर ढकेल दिया। ऐसा हुआ कि फाइनल में जेसी ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया। खुद के लिए जेसी ने लिखा है कि जिस क्षण वह अपनी अंतिम छलांग से उतरा, उसने लज को अपनी तरफ से 26 फीट 5 5/16 इंच का ओलंपिक रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए बधाई देते हुए पाया। जैसे ही हिटलर ने 100 गज से भी कम दूरी के स्टैंड से दोनों को देखा, लज ने अपने दोस्तों से हाथ मिलाया और उसकी पकड़ दिल को छू गई। जेसी के शब्दों में यह टूटे हुए दिल की तरह पकड़ वाली नकली मुस्कान नहीं थी। जेसी अपने 24 कैरेट की दोस्ती की तुलना उन सभी स्वर्ण पदकों और कपों की गोल्ड प्लेटिंग से की जो उसने जीते थे
पायर डे कुपर्टिन जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के फाउंडर थे के शब्दों में जेसी ने लज लॉन्ग को लंबे समय तक चित्रित किया। ओलंपिक खेलों में महत्वपूर्ण बात जीतना नहीं बल्कि भाग लेना है। जीवन में आवश्यक चीज जीतना नहीं बल्कि अच्छी तरह से लड़ना है। कहानी इसी के साथ ख़त्म होती है। और दोस्तों, मैं ICSE का सिलेबस कवर कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट दिखता होगा, इस पर आप क्लिक कर और बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और हाँ, सब्सक्राइब और लाइक करना भूलिएगा मत।